नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पाठ 10, पाठ का नाम है चलना हमारा काम है। बहुत ही सुंदर पाठ है, तो चलिए इस पाठ का हमने भाव समझाया, लेखक परिचय बताया, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, दो तीन वाक्य में उत्तर लिखिए, तुकांत शब्दों को जोड़कर लिखिए, तुकांत शब्दों को लिखिए, सही शब्दों को से भरिए, पांचवा उचित विलोम शब्द लिखिए, है ना, सातवां छठा हो गया, सातवां हो गया, आठवां इस पंक्तियों का भावार्थ लिखिए हो गया। अब नौवां आते हैं, देखिए नौवां, नवा क्या है, अनुरूपता वाला शब्द है जी, जैसा कि जन्म है उसका मरण है। तो चलिए आगे क्या होगा, बहुत, जन्म का विलोम शब्द क्या है, मरण होगा, बहुत का विलोम शब्द हो गया कम। तो इसी प्रकार के चार शब्द है, आप किताब में है देखिए, है ना। मैं यहां से शुरुआत करता हूं, गिरना, चलना, चलना, गिरना तो गिरना, ये ऐसा ही बताया गया, गिरना यानी गिरना, ये द्विरुक्ति शब्द है, दो बार उक्त हो गया। तीसरा क्या है, देखिए पैर यानी समानार्थक शब्द है, पैर यानी पांव, तो सड़क यानी रास्ता। चौथा क्या है, रोड़ा, रोड़ा यानी संज्ञा है, संज्ञा शब्द है। भटकना क्या है, ये क्रिया शब्द है। इस तरह ये हो गया। कविता से आगे में क्या बताया गया, देखिए इस कविता का शीर्षक चलना हमारा काम है के बदले और क्या हो सकता है, सोचकर उचित शीर्षक का चयन कीजिए। तो उचित शीर्षक है चलना हमारा काम है, पद्य हेसर इनके हेसर को उचित शीर्षक है जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है इसका और एक शीर्षक है जीवन इसी का नाम है। तो विद्यार्थियों, अध्यापक संकेत बोलकर दिया गया है यहां पर, अध्यापक संकेत, अध्यापक संकेत में क्या है, देखिए नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनकी सहायता से बच्चों से एक छोटी कविता लिखवाने की कोशिश करें या स्वयं कविता लिखकर छात्रों से वाचना करवाएं। यानी नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं बॉक्स में, जैसा कि नाम, मान, जहान, महान, शान, प्यारा, न्यारा, कठोर, ठोकर, सारा, मति, क्षति, गति, उन्नति, प्रगति, ऐसा शब्द दिए गए हैं, है ना। तो चलिए
उनकी सहायता से बच्चों को एक छोटी कविता लिखवाने की कोशिश करें। अब बच्चे तो हमारे पास है नहीं, अपने अपने घर में हैं, है ना, ये तो ऑनलाइन क्लास चल रही है, इसलिए बच्चों को बजाय यहाँ बताया गया स्वयं कविता लिखकर छात्रों से वाचन करवाए बोलकर। तो चलिए मैं इसके इन शब्दों पर क्या है, मैं एक कविता लिखता हूँ, ये तीन कविता लिखता हूँ, नाम मान जहान महान शान के लिए एक कविता, प्यारा न्यारा कठोर ठोकर सहारा इसके लिए एक कविता है, मति यानी बुद्धि, क्षति गति उन्नति प्रगति के लिए एक तीन कविताएं हमने लिखी है, देखिए शायद वो आपको पसंद आ जाएगी या आप इससे भी अच्छा कविताएं लिख सकते हैं। अंदर केड़गे ये बॉक्स डब्बेल अंदरे शब्द कोट्टरी वट हद् शब्द कोट्टरी आ शब्द सहायद पद्य मकल रचने के अंतर यह मकलू नम हि क्लासदावर आनलन क्लास नोड़ता तम तम तंदे ते जोतल कुटुब जोतार आरोग्यवंतर हीगी आनलन मुखातर ऐनपंद्र ना अंदर शिक्षक नानू राजेंद्र पाटील हौदा नाता नाने शब्द सहाय पद्य रचने पद्यू मोदल साली नाम मान जहान महान शान अंतद शब्द सहायद पद्यव रचने नोड़ी अब बहुश निम्ह हिड़स्बू अदन इन ना हेतनी नोड़ यहाँ पर देखिए शब्द है ये शब्द देखिए क्या है पहला नाम है ना मान जहान महान शान इसी पर मैंने एक कविता की रचना की है देखिए कविता का नाम है नाम कविता की ना पद्यद हेसरे नाम अंतर नाम अंदर हेसरु तो चलिए जो लेगा प्रभु का नाम है ना जो लेगा प्रभु का नाम बढ़ जाएगा उसका मान जो लेगा प्रभु का नाम बढ़ जाएगा उसका मान या सम्मान जो लेगा खुदा का नाम सुंदर होगा उसका जहान जहान यानी दुनिया है ना जो लेगा ईसा का नाम सो होगा वो महान तो होगा वो जो लेगा भारत माता का नाम भारत माता का नाम सो
बढ़ जाएगी तिरंगे की शान। तो इस तरह है, देखिए जो लेगा प्रभु का नाम, तो ये नाम आ गया शब्द पर, है ना, तो बढ़ जाएगा उसका मान, ये मान आ गया, मान भी आ गया। जो लेगा खुदा का नाम सुंदर होगा उसका जहान, जहान यानी संसार, जहान आ गया। जो लेगा इसका ईसा का नाम, ईसा का, ईसा यानी ईश्वर का या भगवान का नाम, सो होगा वो महान, है ना, महान आ गया। जो लेगा भारत माता का नाम सो बढ़ जाएगी तिरंगे की शान, तो शान आ गया। ये देखिए यहाँ पर क्या है, एक दो तीन चार ये पांच, है ना, एक दो तीन चार, तो पांच शब्दों को लेकर इन बॉक्स में जो पांच शब्द है, नाम मान जहान महान शान, तो ये इसका एक नाम दिया है हमने इस कविता को, नाम बोलकर। इसी के आधार पर हमने एक कविता की रचना की है, है ना। जो लेगा प्रभु का नाम बढ़ जाएगा उसका मान, जो लेगा खुदा का नाम सुंदर होगा उसका जहान, जो लेगा ईसा का नाम सो होगा वो महान, जो लेगा भारत माता का नाम सो बढ़ जाएगी तिरंगे की शान। इतनी एक कविता लिखी है, शायद आप इससे भी अच्छा कविता लिखने की क्षमता रखते हैं, किसी की माता पिता की, अपने बड़े बुजुर्गों की भी क्या है आप मदद ले सकते हैं। इस तरह लेकर क्या है आप एक सुंदर सी कविता की रचना भी आप क्या है कर सकते हैं। तो ये है एक कविता। उसके बाद हमने, चलिए इसे थोड़ा हटा देता हूँ, मैं थोड़ा इस ऊपर लिखता हूँ ये पाठ 10 है, है ना। तो अब आते हैं और कुछ दूसरे इसमें दिया, देखिए क्या क्या है, प्यारा, है ना, प्यारा, न्यारा, कठोर, है ना, ठोकर, सहारा, सारा। तो इस तरह यहां पर पांच शब्द है, और इन्हें पांच शब्दों से हमें और एक कविता लिखनी है। तो चलिए मैंने और एक कविता की रचना की है, जरा ध्यान से देखिए इन पांच शब्दों की मदद से। देखिए कविता का नाम प्यारा भारत, देखिए चालू करते हम, प्यारा भारत देश हमारा, प्यारा भारत देश हमारा, दुनिया में सबसे न्यारा, ना यहाँ कोई कठोर, यानी कोई कठोर मनवा, ना यहाँ कोई, ना यहाँ कोई कठोर, बुराई को मारते हैं ठोकर, कोई कठोर नहीं है, सभी दयालु लोग हैं यहाँ पर, बहुत ही मिलजुल कर रहते हैं, और बुराई को सब मिलकर ठोकर मारते हैं, इसका अर्थ होता है।
बसता है दुनिया सारा, बुराई को मारते हैं ठोकर, यहाँ बसता है दुनिया सारा, क्योंकि यह सब कठोर नहीं है, यहाँ पर कोई कानून कठोर नहीं, सभी मिलजुल कर रहते हैं, इसलिए बुराई कोई नहीं है यहाँ पर, इसलिए यहाँ बसता है दुनिया सारा, सारी दुनिया के लोग आकर के यहाँ बसते हैं। देता है भारत सबको सहारा, प्यारा भारत देश हमारा, भारत देश प्यारा, भारत देश हमारा, दुनिया में सबसे न्यारा। देखिए प्यारा प्यारा यहाँ पर आ गया, प्यारा है ना, ये लाइन पे आ गया प्यारा बोलकर, प्यारा भारत देश हमारा दुनिया में सबसे न्यारा, तो न्यारा शब्द भी आ गया है ना, तो कठोर ना यहाँ कोई कठोर, ना यहाँ कोई कानून कठोर है ना, कोई कानून कठोर नहीं है, इसलिए कठोर शब्द आ गया यहाँ पर। उसी पर बुराई को मारते हैं ठोकर, तो ठोकर भी आ गया। यहाँ बसता है दुनिया सारा, सारा सारा है सब दुनिया, देता है भारत सबको सहारा, यानी सहारा देता है, प्यारा भारत देश हमारा दुनिया में सबसे न्यारा। इस तरह ये कविता है, कविता का नाम है प्यारा भारत, प्यारा भारत देश हमारा दुनिया में सबसे न्यारा, ना यहाँ कोई कठोर, बुराई को मारते हैं ठोकर, यहाँ बसता है दुनिया सहारा, देता है भारत सबको सहारा, प्यारा भारत देश हमारा दुनिया में सबसे न्यारा। इस तरह ये कविता है। तो चलिए और अंतिम क्या है, पांच शब्द है, उन्हीं पर आधारित एक और एक कविता है, शायद वो आपको पसंद आ जाएगी। मैं तो जैसा मैं अपने कल्पना से उसे साहित्य में उतारने की कोशिश की है ना, ये इसमें शब्द है मति, मति यानी बुद्धि, क्षति दुख, गति उसके बाद उन्नति, उसके बाद प्रगति, तो इन पांच शब्दों की मदद से हमें कविता की रचना की है। देखिए कविता का नाम है मति, मति यानी बुद्धि, जिसे ज्ञान कहते हैं। यहाँ सबकी अच्छी मति, कहाँ पर यहाँ यानी भारत देश में, यहाँ सबकी अच्छी, यहाँ सबकी अच्छी है मति, यहाँ सबकी अच्छी है मति, मति है इसलिए हम जीते हैं, मति यानी सबकी अच्छी बुद्धि है, किसी की न होती क्षति, किसी को किसी की नहीं होती
होती क्षति यानी हानि। सबकी अगर मति अच्छी है, बुद्धि है, तो को किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता, ये तो सवाल नहीं उठता। चलते हैं सभी एक गति यानी सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलते, एक ही रास्ते पर, गति यानी रास्ता, मंजिल एक ही मंजिल पर सोचते है, सोचते हैं सबकी, सोचते हैं सब उन्नति विकास। सबने अगर एक दूसरे का विकास सोचने लगे होती है, तब होती है सबकी प्रगति, सबका डेवलप होता है। प्यारा भारत देश हमारा, दुनिया में सबसे न्यारा। तो इस तरह क्या है, कुछ शब्दों की मदद से क्या है, देखिए, मति आ गया, क्षति आ गया, गति आ गई, उन्नति आ गई, प्रगति आ गई, है ना, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, पांच शब्दों की मदद से हमने क्या है ना, एक कविता की हमने रचना की है। तो कविता का नाम है मति। यहाँ सबकी अच्छी मति है, अच्छी है मति, सबकी मति यानी बुद्धि अच्छी है, किसी की नहीं होती हानि। बुद्धि अच्छी रहने के बाद कोई किसी को हानि पहुंचाने का सवाल नहीं उठता, सभी सुखी होते हैं। कहाँ? भारत में। चलते हैं सभी एक गति से, एक रास्ते पर चलते हैं, वो रास्ता है उन्नति का, प्रगति का, है ना। सभी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले हैं, गांधी के रास्ते पर चलने वाले हैं भारतवासी। चलते हैं सभी एक गति, सोचते हैं सबकी उन्नति, सभी क्या करते हैं, सबकी उन्नति हो, सबका विकास हो, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, है ना। सबका विश्वास जीतकर सबका विकास करना, है ना, सबका विश्वास जीतकर बोलकर क्या है ना, करते हैं ना, एक नारा है ना मोदी जी का वैसा। सोचते हैं सबकी उन्नति, होती है सबकी प्रगति। ऐसा सोचने से क्या कर, सभी अगर सोचने लगे सबका भला हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, तो सबकी प्रगति होती है, सबका कल्याण होता है, सबका भला होता है। ऐसा देश है हमारा प्यारा भारत, हमारा दुनिया में सबसे न्यारा बोलकर है। बहुत सुंदर क्या है ये कविता है, ये इस पर हमने कुछ अतिरिक्त प्रश्न दिए गए हैं, तो चलिए इसे मैं हटा देता हूं। आप कुछ प्रश्न लिख लीजिए इस पाठ से संबंधित। अतिरिक्त प्रश्न उत्तर है ये, पहला प्रश्न है शिवमंगल, शिवमंगल सिंह, शिवमंगल सिंह सुमन, सुमन जी का जन्म
कब और कहाँ हुआ? अंदर चलना हमारा काम है। ये पद्यद कवि शिवमंगल सिंह सुमन और जन्म यावागायतु अंत प्रश्न इधर, उसका उत्तर आपको लिखना है 5 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश के राज्य के उन्नाव जिले के झगरपुर गांव में हुआ इनका जन्म। अंदर एलप अंदर उत्तर प्रदेश राज्य में उन्नाव जिले में झगरपुर एनवंत ऊरलैति यू अंदर 5 अगस्ट 1915 अंत बरी। दूसरा प्रश्न देखिए, श्री सुमन जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से कौन सी उपाधि उपाधि प्राप्त की? तो श्री सुमन जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से कौन सी उपाधि प्राप्त की? स्नातकोत्तर एवं पीएचडी उपाधि प्राप्त की अंत बरी। श्री सुमन सुमन जी भागलपुर भागलपुर विश्वविद्यालय से भागलपुर विश्वविद्यालय से कौन सी उपाधि प्राप्त की? यानी हिंदू बनारस विश्वविद्यालय से तो उन्होंने स्नातकोत्तर और पीएचडी यानी एमए पीएचडी की उपाधि ली डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की, तो भागलपुर विश्वविद्यालय से डिलीट की डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि ली बोलकर लिखना है। श्री सुमन को कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? यानी श्री सुमन जी के कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? पद्मश्री, पद्म भूषण, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, शिखर सम्मान, भारत भारती आदि पुरस्कार मिले हैं, ऐसा लिखना है। इनकी यानी सुमन जी की प्रमुख रचनाएं लिखिए। गीत काव्य युग का मोल, प्रलय सर्जन, विद्या हिमालय, वाणी की व्यथा, उद्यम और विकास, ये गीत काव्य है इनके। नाटक देखिए प्रगति, पुरुष, कालिदास आदि इनके रचनाएं हैं, ऐसा आपको लिखना है। अब थोड़ा नीचे देखिए, सुमन जी की किस कृति के लिए साहित्य अकादमी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? मिट्टी की बारात कृति के लिए
1974 में सुमन जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, बोलकर क्या है आपको लिखना है। चलिए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसे मैं हटा देता हूं। सातवां प्रश्न है, जीवन के सफर में क्या आते हैं। जीवन के सफर में अनेक रुकावटें आते हैं, बोलकर आपको उत्तर में लिखना है। आठवां प्रश्न है, कौन से व्यक्ति आदरणीय है। ಯಾವ ಹುತೆ ಆದರಣೀಯ ಹುತೆ ಯಾ ಜನರು ಆದರಣೀಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಆದರಣೀಯ ಪುರುಷ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕ್ರಿ। ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಫರ್ ಮೇ ಆನೆ ವಾಲೆ ರುಕಾವಟೋಂ ಕಾ ಸಾಮನಾ ಕರ್ತೆ ಹುವೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ತಕ್ ಕದಮ್ ಬಡಾನೆ ವಾಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೋ ಆದರಣೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಹನಾ ಚಾಹಿಯೆ। किसकी सफलता अभिराम है, अभिराम यानी सुंदर मनोहर है। किसकी सफलता अभिराम है, जो रहे हरदम चलते उसकी सफलता अभिराम है। जो हरदम चलते रहते हैं लक्ष्य प्राप्ति के लिए, उनका ये जीवन सुंदर है या अभिराम है। जीवन किसका नाम है, जो निराश न हो जीवन इसी का नाम है। उत्तर में देखिए, अंतिम यह प्रश्न है, इसका उत्तर भी बहुत सुंदर है। अंतिम प्रश्न का उत्तर है, जो निराश न होता होता है जीवन, जीवन किसका नाम है, जो निराश न हो कभी निराश नहीं होता जीवन, इसी का नाम है, बोलकर क्या है आपको लिखना है। तो हमने ये चलना हमारा काम है, इस पाठ से संबंधित जो भी जानकारी थी, अभ्यास भाग से संबंधित हो अन्य जो भी है, सारी की सारी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। कल की अवधि में हम एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं, खेलो कूदो स्वस्थ रहो, इसे हम पूर्ण करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है, नमस्कार।